दोस्तों, हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल, जो कि सूर्य से 142 मिलियन माइल्स दूर है। दोस्तों, आजकल वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि भविष्य में मंगल ग्रह पर बस्तियां या कॉलोनीज बनाई जा सके और अंतरिक्ष में अपनी सीमाओं को फैलाया जा सके। दोस्तों, आइए एक कल्पना करते हैं कि जब आप मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाकर रहना शुरू कर दोगे तो वहां पर आपको कैसा लगेगा और मंगल ग्रह के वातावरण में आपको किस तरह से सर्वाइव करना पड़ेगा। वहां पर आपको किस तरह के घरों में रहना पड़ेगा और वहां पर आपको खाना उगाने के लिए किस तरह की खेती करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है अमित तांबे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑसम नॉलेज में। दोस्तों, आप जब मंगल ग्रह पर जाओगे तो वहां पर आपको दूर दूर तक सूखी और बंजर जमीन दिखाई देगी और जिस तरह से धरती पर रेगिस्तान होता है उसी तरह से मंगल ग्रह पर जाने के बाद आपको लाल रंग का विशालकाय रेगिस्तान देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरह से मार्स की सतह को ढके हुए है। आप वहाँ पर विशाल घाटियाँ देखोगे, सूख चुके समंदरों के बड़े गड्ढे और वहाँ पर पुराने ज्वालामुखियों के मुहाने देखोगे। आपको मंगल ग्रह के तूफानों का भी सामना करना पड़ सकता है। इतना भयंकर तूफान जो कि पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेता है। आपको वहाँ पर बहुत ही ठंडा महसूस होगा क्योंकि मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कभी कभी तापमान बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। दोस्तों, आप जब भी मंगल ग्रह की सतह पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको बहुत ही बड़े और घने बादल दिखाई देंगे और मंगल ग्रह का सूरज से काफ़ी दूर होने की वजह से आपको सूर्य बहुत ही छोटा नजर आएगा और जैसे ही रात होगी तो आपको मंगल ग्रह के दो चांद फोबोस और डीमोस रात के अंधेरे में किसी चमकदार तारे की तरह दिखाई देंगे जो देखने में बड़ा ही प्यारा दृश्य होगा। आप अपने आप को मंगल ग्रह की सतह पर बहुत ही हल्का महसूस करेंगे क्योंकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 62% कम है। दोस्तों, जो व्यक्ति पृथ्वी पर 100 किलो का होगा वो मंगल ग्रह पर आने के बाद 38 किलो का हो जाएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह पर आपको कोई आम कपड़े नहीं बल्कि एक खास तरह का स्पेस सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि मंगल ग्रह के वायु में करीब 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है और मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले केवल 1% तक ही है जिसकी वजह से सूर्य से आने वाले घातक रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन प्रमाण बताते हैं कि एक वक्त था जब मंगल ग्रह पर भी कभी छोटे छोटे समंदर और नदियां हुआ करती थी जो कि मंगल ग्रह की सतह पर बहती थी और सोलर विंड की वजह से यानी कि सोलर हवाओं की वजह से समंदर का पानी धीरे धीरे खत्म हो गया। दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल ग्रह पर खाना उगाने की तो आप मंगल ग्रह की मिट्टी में खाना उगा ही नहीं सकते क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है और इसी आयरन युक्त मिट्टी की वजह से मंगल ग्रह को अपना लाल रंग मिला है। मंगल ग्रह पर खाना उगाने के लिए आपको अपने साथ पृथ्वी से ही मिट्टी ले जानी पड़ेगी और वहाँ पर आपको पौधे उगाने के लिए एक एयरटाइट शेल्टर बनाना पड़ेगा और जिसमें पौधों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई गई हो, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर रहने के लिए आपको ऐसे घरों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पूरी तरह से एयरटाइट हो और वो घर मजबूत होने के साथ साथ उसमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी रहनी चाहिए और ऐसे घरों को HUB यानी कि हब भी कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह एक दूसरी पृथ्वी की तरह भी बन सकता है। इंसान भविष्य में मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह भी बना सकता है एक प्रक्रिया के जरिए और उस प्रक्रिया का नाम है टेराफॉर्मिंग। दोस्तों, इस प्रक्रिया में इंसान मंगल ग्रह की सतह पर ऐसी फैक्ट्रीज का निर्माण करता है जो कि मंगल ग्रह की हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतर ऑक्सीजन में कर देती है। दोस्तों, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह बन सकता है और जो लोग उस वक्त मंगल ग्रह पर रहेंगे वो लोग वाकई ही अनुभव करेंगे
कि मंगल ग्रह की सतह पर खड़े रहना कैसा लगता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।